ऐसन दुनिया ऐसन लोग ऐसन दुनिया ऐसन लोग राम जी बनावले ऐसन दुनिया ऐसन लोग राम जी बनावले धरल रहे राम नदिया में पानी नदिया में पानी बदल रहे कोई तोहरी जवानी। रविंद्र जैन आज दुनिया में नहीं रहे। रविंद्र जैन ने यहाँ पर जो है यहाँ के श्रीमती बीए की फिल्मों के कई गीतों को संगीत दिया है, और इसके अलावा हमारे बीच इस समय उनके दूसरे पुत्र हमारे बड़े भाई श्री भालचंद्र उपाध्याय जी हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बी चंद्रा नाम भी रविंद्र जैन का ही दिया हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल हम उन्हीं से प्राप्त करेंगे कि उन्होंने क्या देखा है, क्या समझा है, क्या स्थिति है। लीजिए हमसे बात करते हैं। पानी में मछलियाँ, पानी में मछलियाँ, हाथ में फसलियाँ है राम जी बनावले राम जी बनावले ऐसन दुनिया ऐसन लोग राम जी बनावले। पूजनीय रविंद्र जैन साहब, जिनको फिल्म इंडस्ट्री के अधिकतम लोग दादू कहा करते थे, एक उस भीड़ में मैं ही था जो उनको गुरुजी कहता था, और अकेले मेरे संबोधन की वजह से मैं जब भी जाता था तो नेत्र न होने के बावजूद भी गुरुजी कहने से, और एक चीज हमारे अंदर और भी थी कि सब लोग उनका पैर छूते थे लेकिन मैं उनके पैर का मात्र अंगूठा छुआ करता था, तो इन दो चीज़ों से वो जान जाते थे कि भल्लू आ गया है। मुझे वो प्यार से भल्लू भल्लू कहते थे। वहाँ सुरेश वाडेकर, हेमलता और सतीश कुमार जो, और ये आज के गायक उदित नारायण और अभिजीत, ये सब लोग रहा करते थे, न्यू कमर्स थे, सब लोग रिहर्सल किया करते थे, उनके बीच में वो जान जाते थे कि भल्लू आ गया है। कहानी बड़ी लंबी है। जैन साहब या गुरुजी जो है हमको कहते थे कि तेरा स्वर बहुत अच्छा है, तू रिदम में है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का गायन है, थोड़ा सा रियाज तो तुझे करना होगा और मैं तुझे रियाज कराऊंगा, तू सुबह शाम मेरे साथ सिटिंग पर बैठा कर और रियाज किया कर। मैंने किया, या मेरा दुर्भाग्य था कि मैं बहुत दिनों तक उनके संस्था में या उनके स्कूल कह लीजिए या उनकी जो रियाज वाली सिटिंग थी उसमें बहुत दिनों तक मैं नहीं रम पाया जम पाया, लेकिन जब तक रहा और जब तक मैंने जो कुछ भी किया मुझे बहुत बहुत कुछ वहाँ से मिला। महेंद्र कपूर का दर्शन भी मैंने वहीं किया, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादातर गायक लोग ही आते थे, तो गायक मंडली के जितने लोग आते थे तो वो मुझे अनायास ही बिना प्रयास किए हुए ही वहीं पर मुझे मिल जाते थे। उनका दर्शन लाभ मुझे वहीं मिल जाता था और विधि पूर्वक इत्मीनान से। तो उनके बारे में क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें हैं। उस वक्त वो नदिया के पार जो राष्ट्रीय प्रोड बैनर की फिल्म थी बन रही थी और उसी वक्त मैं वहाँ पहुँचा था, पिताजी की फिल्म गजब भैले रामा जिसके सारे गीतों की म्यूजिक वो दे रहे थे, और कहना न होगा कि उस जमाने में जब ये गीत बजते थे तो सड़क पर भीड़ लग जाती थी। अब तो मोबाइल और चिप का ज़माना आ गया है, लेकिन टेप रिकॉर्डर में जब कैसेट बजता था तो सड़कों पर भीड़ लग जाती थी जहाँ कहीं भी वो गीत बजते थे। इतने मेलोडियस, इतने मधुर और इतने हृदय को छूने वाले रिदम में उन्होंने उन गीतों को ढाल रखा था कि सबका मन वाह वाह कर ही उठता था।
उस पिक्चर में मुझे भी एक गीत गाना था। गीत के बोल थे, ऐसन दुनिया ऐसन लोग राम जी बनौले रहे ना। मैं उस पर रियाज भी कर रहा था, लेकिन गुरु जी को यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि भल्लू इस गीत को तो मैं गाना चाहता। तो मैंने कहा कि ये हमारे भोजपुरी भाषा भाषी और पिताजी का और हमारे परिवार का ये तो परम सौभाग्य होगा कि इन शब्दों को आपका स्वर मिले। मैं तो फिर भी कुछ गा लूंगा, आपके सानिध्य में हूं तो मुझे बहुत कुछ गाने के लिए मौके मिलेंगे, तो आप जरूर गाएं इसे गुरु जी। और यही हुआ भी। महबूब थिएटर में 103 डिग्री बुखार था रविंद्र जैन साहब को जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी, और उस दिन मैं माइक के सामने न हो करके मैं लेबोरेटरी के रिकॉर्डिंग जो सेक्शन था उसमें बैठा हुआ था, जहां पर कि हजारों प्रकार की सुइयां कंट्रोल की जा रही थी, कहीं फ्लूट की, कहीं सितार की, कहीं गिटार की, कहीं पियानो एकॉर्डियन की, तो कहीं किसी चीज़ की। मेरा ख्याल है 5,500 यंत्र थे आर्केस्ट्रा में, तो वो सब अब मैं देख रहा था। किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के मैं यह देख रहा था कि एक गीत जो आकाशवाणी से आता है, चाहे हम जहाँ कहीं भी और जिस तरीके से भी सुनते हैं, जो कि 3 मिनट का या 5 मिनट का होता है, उस गीत के रिकॉर्डिंग के पीछे कितना श्रम है, कितना रियाज है, मैं देखकर अचंभित था, विस्मृत था। मैं आज मुझे कुछ कहते नहीं बन पड़ रही है कि वास्तव में एक गीत जो 3 मिनट का हुआ करता था, 4 मिनट का अथवा 5 मिनट का, वो कैसे कंट्रोल किया जाता था। 5 घंटे की शिफ्ट में एक गायक गायिका कोरस और सारे ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज किए जाते थे। कंट्रोल रूम में से बोल करके उनको कहा जाता था कि आपकी बांसुरी जो है माइक के ज़्यादा नज़दीक है, आवाज़ बहुत तेज आ रही है, थोड़ा आप अपने स्टूल को पीछे कर लीजिए। तो वहाँ से वो व्यक्ति बोलता था कि अब ठीक है सर, करके बांसुरी बजाओ। तो फिर वो बांसुरी थोड़ा सा बजाता था, तो फिर कहा जाता था कि थोड़ा और पीछे कीजिए, जिसकी कम होती थी थोड़ा आगे कीजिए, थोड़ा माइक को झुकाइए। ऐसा ही जो है सारे वाद्य यंत्रों के साथ होता था। मैं देख कर विस्मृत था। यह सब होता रहा, और इनके बीच में 103 डिग्री के बुखार में जब सब कुछ ओके हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने की थी, तो रविंद्र जैन ने वो गीत गाया। 2 बार उन्होंने इस गीत को गाया। शुरू के सारे बोल एक जैसे हैं, लेकिन 2 बार जो उन्होंने गीत गाया, उन दोनों में आखिरी के जो बंद हैं या छंद हैं, उनको उन्होंने थोड़ा सा बदल बदल के गाया था। और ये तय किया गया था कि दोनों में जो अच्छा लगेगा उसको ओके करके पिक्चर में डाल दिया जाएगा। तो पिक्चर में चाहे जो पड़ा हो हमको इस वक्त याद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने 103 डिग्री बुखार में वो गीत गाया, और आज भी हम लोग सुनते हैं तो नो डाउट तबीयत प्रसन्न हो जाती है। पिताजी भी जब थे तो वो भी सुनते थे तो गदगद हो जाते थे, और हम सब लोगों को बड़ा फख्र होता था कि इस गीत को ऐसन दुनिया ऐसन लोग राम जी बनौले रहे ना रविंद्र जैन ने स्वर भी दिया और संगीत भी दिया, और इस गीत को गाकर उन्होंने अमर कर दिया। ऐसी तमाम बातें हैं जो हमारे जहन में उबड़ घुमड़ रही है, किस किस को याद करूं, किस किस का जिक्र करूं, कौन सा छोड़ूं, नहीं समझ में आ रहा है। एक वाक्य और मैं कहना चाहूँगा। पिताजी के भोजपुरी के विलक्षण गीत थे, आम और जनरल जो गीत भोजपुरी में हुआ करते हैं, जिसके लिए भोजपुरी भाषा बदनाम है, उनसे हट करके पिताजी ने सिमर के फूल, महुआ बारी, मिझर गए ले अमुआ, यानी कि आम की लाइफ स्केच ही उन्होंने खींच डाली है। पैदा आम के पैदा होने से लेकर के और आम के वृक्ष के गिर जाने तक, यानी कि उसके मृत्यु पर्यंत तक का उन्होंने चित्रण किया है 19-20 छंदों में। अमला के फेड़, खेत खलिहान, रविंद्र जैन को यह बड़ा अच्छा लगा कि भोजपुरी में इस तरह के चित्र हमने देखे ही नहीं। उन्होंने हमसे कहा कि तू भल्लू कुछ सुना, तो मैंने उन्हें सुना। निझर गई ले अमुआ आई हो रामा, ताके पतैया डहके टहनिया, कुह के कोई लिया तनिक से परनवा आई हो रामा,
निझर गई ले अम्मा आई हो रामा। गीत लंबा है, मैं सिर्फ जिक्र के लिए मैंने यह दो पंक्तियां प्रस्तुत की कि इन्हीं को सुनकर के रविंद्र जैन ने कहा कि भल्लू मैं मोदी साहब के इन चार पांच गीतों का मैं एल्बम तैयार करूंगा। हालांकि मैं उस वक्त एल्बम में समझ नहीं पाया था, लेकिन अब तो बहुत सारे एल्बम निकल रहे हैं, तो अब बिना बताए ही मैं एल्बम समझ जाता हूं कि गीतों का एल्बम कैसे होता है। लेकिन उन्होंने पहली बार मेरे सामने वो शब्द इस्तेमाल किया था, इन गीत वो पिताजी के इन तमाम गीतों को लयबद्ध करके खुद गा करके दुनिया के सामने लाने वाले थे, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण ये हो न सका, जिसका मलाल पिताजी को भी रहा और मुझे तो ज़्यादा ही मलाल है, इसलिए कि अगर उन्होंने गा दिया होता इन गीतों को तो विश्व पटल पर ये आज कहाँ पहुँचे होते, और भोजपुरी भाषा के अंतर्गत ये जो भेड़िया थसान मची हुई है थर्ड क्लास के गानों की, उनके बीच से ये गीत किस तरह से उभरता यह तो वक्त बताता, किंतु ये हो न सका। बहरहाल गीतों को रविंद्र जैन ने सुना, लिपिबद्ध किया और इसका रियाज भी वो कर रहे थे, और यह कार्यक्रम रोक दिया गया मात्र इसलिए क्योंकि गजब भैले रामा जो है फ्लोर पर थी और अपने एंड की तरफ थी, इसलिए उसका समापन और उसका उसको जो है पब्लिक के सामने लाना और व्यवसाय उसका प्रथम था, इस नाते इसको रोक दिया गया और उसके बाद फिर चीज किनारे हो गई धीरे धीरे, कुछ वक्त की ऐसी बात थी। कहना ना होगा कि रामानंद सागर की रामायण में रविंद्र जैन साहब ने जो म्यूजिक दिया उसका क्या क्या कहना है। एक एक उसके भजन प्रातः स्मरणीय है, रात्रि को गेय है, दोपहर को भी श्रवणीय है, हमेशा आप जब कभी उनको देखें याद करें गुनगुनाएं अलौकिक अनुभूति होती है। यही वजह भी थी कि रामानंद सागर ने पूरे रामायण के अंतर्गत रविंद्र जैन के स्वर को, उनके कला कौशल को बखूबी इस्तेमाल किया, और जैन साहब ने भी, गुरु जी ने भी अपना वो संपूर्ण दिया रामायण में जो उनके पास हो सकता था, और यही वजह थी कि रामायण उस वक्त ऐसी हुई कि जब समय पर उसका सीरियल आता था तो ट्रेन रुक जाती थी, बसें रुक जाती थी, ऐसा तो कभी हमने इतिहास में अपने जीवन में कभी सुना ही नहीं। ऐसे थे विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे रविंद्र जैन साहब, आंखें तो उनकी नहीं थी, हमने बहुत गौर से देखा है, वो काला चश्मा लगाते थे, कोई सुंदर भी चेहरे मोहरे से नहीं थे, और तो दुनिया जानती है उसको मैं क्या दोहरा हूँ। वो वहीं पर जिक्र करते थे कि वो बचपन से ही मंदिरों में जाते रहे, भजन वगैरह ज़्यादा गाते रहे, सुनते रहे, इसीलिए उनके भजन जो है बहुत लोकप्रिय हुए, और भजन ही नहीं उनके प्रेम गीत, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो उनकी बैकग्राउंड में जो गाने आते हैं वो, जैसे जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते, और इसके अलावा वो एक गीत है श्याम तेरे कितने नाम पिक्चर में, उसे तो उसके सारे भजन अच्छे हैं, लेकिन एक गीत है कि जब जब तू मेरे सामने आए मन का बंधन टूटा जाए, तो ये जो मधुरिमा लेकर के गीत आते हैं वो मन को रोमांचित कर देते हैं, और उस वक्त बरबस गुरु जी हमारे स्वर्गीय रविंद्र जैन जी आँख के सामने खड़े हो जाते हैं। ये मैं कह रहा था कि उनकी आँखें नहीं थी, आँख की जगह पर उनकी पुतली की जगह पर जो सफ़ेद और काली पुतलियाँ होती है, रेटिना वगैरह जो होता है, ये उनमें नहीं था, मांस बस मांस ही मांस थे। एक बार उन्होंने चश्मा निकाला था और रुमाल से अपनी आँख पोंछनी शुरू की थी तो मैंने देखा उसमें पानी दोनों आँखों में आ गया था, और उसी को साफ करने के लिए उन्होंने उंगली से अपनी गाल आँख के नीचे हाथ रख करके और उसको खोला उन्होंने दोनों उंगलियों से और पानी को उन्होंने पोंछा, तो मैंने बड़े गौर से देखा कि लाल गड्ढे सिर्फ दिखलाई पड़ रहे थे। मैं चकित हो गया कि इनको ज़रा सा भी दिखाई नहीं पड़ता है और दुनिया ये व्यक्ति कैसे देख रहा है, और उन्हीं को देख करके मैंने जाना कि अंतर मन की शक्ति क्या होती है, और वो अंतर मन की शक्ति ही थी जो रविंद्र जैन को कहाँ से कहाँ पहुँचाई, और उन्हीं की शक्ति है
कि जो वो हम सब लोगों के हृदय में धसे हुए हैं, बसे हुए हैं, और जब तक हम लोग रहेंगे हमारी सांसों में वो बसे रहेंगे, अमर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गुरु जी को, अपने रविंद्र जैन साहब को नम आँखों से याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन्हें अपना श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसन दुनिया ऐसन लोग राम जी बनो।